अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम का दौरे पाकिस्तान किस चीज़ के साथ मशरूत। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दौरे पाकिस्तान के लिए बांग्लादेशी टीम को सिक्योरिटी क्लीनर्स का इंतज़ार है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCBB के चेयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CIO निज़ामुद्दीन चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से ग्रीन सिग्नल मिलते ही टूर के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक मुकामी मीडिया से बातचीत करते हुए BCBB के चीफ एग्जीक्यूटिव निज़ामुद्दीन चौधरी ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को 18 जनवरी को पाकिस्तान रवाना होना है। दोस्तों, लेकिन इसका हतमी फैसला सिक्योरिटी क्लीनर्स मिलने पर होगा। दोस्तों, सिक्योरिटी दौरे के बाद हमारी वुमेन्स और अंडर 16 बॉयज़ टीमें खेलने के लिए गई थी। दोस्तों, लेकिन अभी तक कौमी टीम के लिए क्लीनर्स नहीं मिली। दोस्तों, पाकिस्तान में बांग्लादेश का हाई कमीशन है जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICCB सिक्योरिटी का आजादाना जायजा लेती है। दोस्तों, इनकी जानब से ग्रीन सिग्नल मिलते ही टूर के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, क्या बांग्लादेश टीम पाकिस्तान में आकर मैचेस खेलेगी या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक जैन TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बिल्कुल फ्री में जैन TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।